कल के मैच में असल में इंडिया ने हारना था, जानबूझ के हारा इंडिया। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर करना। हम लोग तो वैसे ही नालायक लोग हैं, हम तो अपने हार को जो है ना वो दूसरे के खाते में डालने की कोशिश करते हैं। इंडिया हारता है बांग्लादेश से तो बहुत ही चांसेस हैं अंदर आने के पाकिस्तान, अगर नहीं हारते हैं तो बाहर आ चुका है। वर्ल्ड कप में तो बहुत सारे कैच छूटे हैं, अब कोहली ने छोड़ दिया तो बस सब बोल रहे विराट कोहली ने कैच छोड़ दिया। उतना बड़ा प्लेयर है, जानबूझते कैच थोड़ी छोड़ेगा। इंडिया ने इस वजह से जानबूझ के उनके हाथ में पूरा का पूरा मैच दे दिया, नहीं तो इंडियन जो विराट कोहली को देखें जितना 13 स्कोर किया हुआ है। असल में इंडिया ने हारना था, जानबूझ के हारा इंडिया। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर करना। अब 92 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था कि पाकिस्तान की टीम शुरू में हार रही थी, उसके बाद कमबैक किया था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की टीम कमबैक कर सकती है। अब ये आखिरी की जो दो मैच है पाकिस्तान की, जो भी मैच है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी, विन करेगी और इंशाल्लाह फाइनल में जगह बनाएगी। ये क्रिकेट है, क्रिकेट पर चांस है, इसमें पाकिस्तानी पीपल को डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, कमबैक करेगा। अंदर से हम लोग अगर टीम को मोटिवेट करेंगे हम एज ए कॉम, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा जी। अगर ये साउथ अफ्रीका हारता तो चांस बहुत ही थे पाकिस्तान के सेमीफाइनल आने में, क्योंकि फिक्स मैच था। इंडिया वालों ने यही सोचा कि अगर हम जीतेंगे तो ये पाकिस्तान अंदर आ सकता है, इसीलिए कि उन्होंने फिक्स मैच किया। और विराट कोहली ने जो कैच छोड़ा सीधा सा, और उन्होंने बोला कि ये साउथ अफ्रीका जैसे कि जीत जाए। और रेनी रोसो ने जो भी बैटिंग की है सब फिक्सिंग मिक्स था, और फील्डिंग भी मिस की है, कैच और रन आउट वगैरह जो भी थे इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिए। इंडिया हारता है बांग्लादेश से तो बहुत ही चांसेस हैं अंदर आने के पाकिस्तान, अगर नहीं हारते हैं तो बाहर आ चुका है। पाकिस्तान बाहर हो गया तो देखें इनकी अपनी ही गलतियाँ हैं, अगर दो मैच नहीं हारते हैं। एक तो छोटी टीम से जिम्बाब्वे से हारा है, ये तो बहुत अफसोस हो रहा है। इनमें कोई ऐसी फील्डिंग नहीं है, ऐसी कोई बैटिंग नहीं है। अगर बॉलिंग का बात की जाए तो बॉलिंग माशाल्लाह अच्छी चल रही है। लोग बोल रहे हैं फिक्स मैच था, मुझे नहीं लगता फिक्स मैच था, क्योंकि वो टफ हुआ, क्योंकि बॉलिंग पिच थी वो बैटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों ने इक्वल बैटिंग करी है। वो जो अश्विन को ओवर दिया 15वां 16वां, वो बस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो नहीं देना चाहिए था, एंड में दे देते शायद फास्ट बॉलर ले लेता तो विकेट ले लेता। वर्ल्ड कप में तो बहुत सारे कैच छूटे हैं, अब कोहली ने छोड़ दिया तो बस सब बोल रहे विराट कोहली ने कैच छोड़ दिया। मुझे तो लगा कि काफ़ी मैच फिक्स था, क्योंकि इंडिया के जैसे आपने देखा विराट कोहली ने जो एक्टिंग की है, जो अनुष्का शर्मा से बहुत अच्छी ज़्यादा एक्टिंग की है, तो इसमें हमारी भी कोई इंडिया की भी कोई गलती नहीं है, असल में पाकिस्तान की भी गलती है कि हम लोग इंडिया के बलबूते के ऊपर मैच जितवाने के लिए थे। तो ये है कि बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, वैसे भी हमारी खुद की परफॉर्मेंस भी इतनी ख़राब चल रही है तो इंडिया में क्या बचा था। इंडिया जानबूझ के हारा है। आप उसकी रोहित शर्मा की देखो जो रनआउट कर रहा है प्लेयर को, वो इतना नज़दीक था, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट पे उसको रनआउट नहीं कर सका, और इंडिया ने जानबूझ के उनको ये मैच दिया कि पाकिस्तान इससे टूर्नामेंट से आउट हो जाए। कल का मैच था उसके ऊपर चांसेस हमारे ज़्यादा थे, बट अब तो होप भी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ही यह है कि मतलब रिटर्न टिकट का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही वापस आएंगे तो फिर होपफुली नेक्स्ट टाइम कोई बेस्ट एफर्ट कर सके, आगे जा सके। विराट कोहली ने जो है कैच छोड़कर हंसना, ये इस बात का सबूत है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई करे सेमीफाइनल के लिए। और विराट कोहली ने जो है वो कैच भी छोड़ा और इंडिया के प्लेयर्स ने 3 रन आउट छोड़े, इसलिए बस इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान क्वालिफाई करे। कंट्रोवर्सी क्रिएट करें तो बहुत सारी बातें हैं कि साहब विराट कोहली ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वो यूँ खुश हो रहे थे, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती। जो आदमी अच्छा खेलता है वो जीतता है, जो टीम अच्छा खेलती है वो जीतती। हम लोग तो वैसे ही नालायक लोग हैं, हम तो अपने हार को जो है ना वो दूसरे के खाते में डालने की कोशिश करते हैं। ये नालायक लोगों की सबसे बड़ी निशानी होती है भाई। पता नहीं कौन लोग पाकिस्तान की उससे उम्मीदें लगा के रखते हैं कि ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा। मुझे तो नहीं लगता। एशिया कप आप देखिए अभी थोड़े दिन पहले हार गए, उससे पहले जो है ना इंग्लैंड की सीरीज थी 4-3 से हार गए, जो कि जीत सकते थे। ये तो बेवकूफ़ लोगों का काम है जो इनसे उम्मीद लगा के रखें
कि साहब ये जीत जाएंगे ये जीत जाएंगे, नहीं जीतते।